हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे वहां अच्छे होंगे। तो आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरकी ने फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जो भी घोषित कर दिया गया है, डायरेक्ट हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। कंडीशन एक, अगर आपके पास अगर रोल नंबर, रोल कोड है और आपका डेट ऑफ बर्थ याद है तो अभी निकाल सकते हैं। और ये तीनों में से अगर आपके पास कुछ भी याद नहीं है तो अपना नाम देकर, अपने माता या पिता का नाम देकर आप कैसे निकाल सकते। दोनों हमने कंडीशन इस वीडियो में बताए हैं, आप डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया, आप डायरेक्टली आप जो भी अच्छा लगे आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको बतलाते हैं, पहले अपना रोल नंबर और स्कूल कोड देकर और अपना नाम देकर कैसे चेक करेंगे, ठीक है फ्रेंड। जैसे फाइनली लिख पाप के लिए यहाँ से इस वाले साइट पर आ जाएंगे, आपको यहाँ से रोल नंबर और स्कूल कोड, स्कूल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको तीनों फिल कर देना है। यहाँ पर आपको यहाँ में आपको रोल नंबर देना है और स्कूल नंबर और ये आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से देना है। चलिए हम यहाँ तीनों आपको फाइनली भर कर एक लड़का का हम अपना रिजल्ट दिखला कर बतलाते हैं आपको इस वीडियो में। तो फाइनली हमने सब भर लिया, यहाँ से आप यहाँ से रोल नंबर देखने को मिल जा रहा है, स्कूल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ जैसे अपना फिल कर लीजिएगा इसमें। और उसके बाद सबमिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। केवल इसमें आपको पास ही दिखलाई दे रहा है और इसमें सब्जेक्ट कोड यहाँ से आपको देखने को मिला है, सब्जेक्ट कोड या सब्जेक्ट नेम जो भी आप सब्जेक्ट लिए हैं। उसके बाद थ्योरी कितना मिला है आपको, प्रैक्टिकल में कितना मिला है और टोटल यहाँ से मिलाकर आपको यहाँ से कितना कर दिया गया है, D1 B2 D1 जो यहाँ से परसेंटेज ग्रेड में आपको मिला है। तो आप ये लड़की पास है, ठीक है। अपने यहाँ से देख सकते हैं इसका स्कूल नेम आ जाएगा, या पापा का नाम, यहाँ से मम्मी का नाम और इसका नाम, कैंडिडेट का नाम, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए अब हम आपको बतलाते हैं, अगर आपको ये सभी याद नहीं है तो अपने माता या पिता का नाम देकर कैसे याद करते, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। जिससे आप उस पर जाएंगे तो आपको इस वाले वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर टेंथ का दिए हैं तो टेंथ के लीजिएगा, नहीं तो ट्वेल्थ के दिए हैं तो ट्वेल्थ का, तो टेंथ को लिए हैं तो टेंथ का एग्जाम यहाँ से कर देख लाते हैं। तो यहाँ कैंडिडेट का नाम यहाँ से फिल कर दीजिएगा, उसके बाद फादर नेम यहाँ से जैसे हम फिल किए हैं, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से जो भी दिए हैं। अब अपना डेट ऑफ बर्थ याद है तो याद यहाँ से देख लिख के यहाँ से सर्च डेटा पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का बॉक्स खोल कर आ जाएगा। यहाँ से रोल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, कैंडिडेट नेम यहाँ से देखने को मिल जाएगा, स्कूल नेम, और इसके बाद स्कूल नेम से उसके बाद डाउनलोड आपको कर लीजिएगा। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से रोल नंबर डाउनलोड, यहाँ से जैसे डाउनलोड क्लिक करके आपके मोबाइल में चला जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिएगा, अपना देख सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो समझ में आएगा। किसी प्रकार का वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपका रिजल्ट नहीं चेक हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम आपको यहाँ से चेक करके अब लाइव प्रूफ बतलाते हैं। चलिए फ्रेंड करते हैं वीडियो को समाप्त, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त।